वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ कंप्लीट लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें शामिल है दाल, जीरे वाले चावल, पापड़, सलाद, गाजर का अचार और अचारी मिर्चें। सबसे पहले मैं आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक पैन में पानी डालें और साथ ही मूंग की दाल 3/4 कप और मसूर की दाल 3/4 कप शामिल करें, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया। दाल में उबाल आने के बाद इस पे ऊपर झाग आ जाता है, जितना मुमकिन हो सके इस झाग को रिमूव कर लीजिए, क्योंकि एक तो इससे रंग खराब हो जाता है और दूसरा जब आप दाल को ढककर पकाते हैं तो वो उबलकर बाहर आने लगती है। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करें, जिसमें शामिल है हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच, 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई, प्याज 1 छोटी, टमाटर 2 दरमियाने साइज के, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर कवर कर इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें, जब तक कि दाल अच्छी तरह से गल जाए और तमाम चीज़ें अच्छी तरह मैश हो जाएं। इसके बाद अगर आपको इस कंसिस्टेंसी की दाल पसंद है तो आप ऐसे ही इसके ऊपर भगाड़ लगा दें, या फिर मैंने इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पेस्ट कर लिया है। अगर आपको बिल्कुल पिसी हुई दाल पसंद नहीं है तो फिर आलू के मैशर से थोड़ा घोट लीजिए, या फिर किसी भी स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा घोट लीजिए और इसके ऊपर भगार डाल दीजिए। सबसे आखिर में 1/2 कप या हसबे जायका इमली का पल्प शामिल कर दें। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। पैन में 1/2 कप तेल गरम करें और साथ ही 1 दरमियाने साइज की प्याज शामिल कर दें। प्याज को हमें सुनहरा करना है। जब प्याज का रंग तब्दील होने लगे तब आप इसमें 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करें और इसे थोड़ा सा सौते कर लें। इसके बाद साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत गोल मिर्च 6 से 7 अदद। थोड़ी देर के बाद इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते शामिल करें और थोड़ा सौते कर लें। सबसे आखिर में 2 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया बारीक काट कर शामिल कर दें और गर्मा गर्म तड़का दाल के ऊपर डाल दें। दाल को कुछ देर के लिए कवर कर छोड़ दें। अब हम दाल के साथ सर्व करने के लिए बना रहे हैं बघारे हुए चावल। एक पैन में 1/2 कप तेल गरम करें और साथ ही प्याज शामिल कर दें। प्याज को इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज का रंग तब्दील हो जाए तब आप इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 खाने के चम्मच के बराबर या थोड़ा सा कम जीरा शामिल कर दें और इसे सौते कर लें ताकि अच्छी तरह से इसका अरोमा निकल आए। इसके बाद आप इसमें चावलों के बराबर पानी शामिल करें और 1/2 किलो चावल शामिल कर दें। मैंने चावलों को 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। साथ ही 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर दें। चावल में पानी का रेशो, आप चावल शामिल करें तो पानी से 1 इंच ऊपर तक मौजूद होना चाहिए। जब पानी ड्राई होने लगे तब आप इसे कवर कर दम पर छोड़ दें। बघारे राइस दाल के साथ खाने के लिए रेडी हैं। अब मैं सैलेड तैयार कर रही हूँ। ये रेगुलर सैलेड है जो डेली घरों में तैयार किया जाता है। इसके लिए 1 टमाटर ले लें, उसे हाफ कंडाद उसे स्लाइसेस में कट कर लीजिए। 1 अदद खीरा, इसे छीलने के बाद इसे भी इसी तरह से 2 हिस्सों में काट कर और फिर स्लाइसेस कट कर लीजिए। 2 अदद दरमियानी प्याज। तमाम चीजों को एक ही तरह से कट करें और 1 अदद चुकंदर। प्याज की लेयर्स को अलहदा कर लीजिए। आप चाहें तो इन सब्जियों को चॉप भी कर सकते हैं। तमाम वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकालने के बाद इसमें 1 अदद नींबू का रस शामिल करें और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने चुकंदर के पीसेज इसमें शामिल नहीं किए क्योंकि चुकंदर के कलर बाकी तमाम सब्जियों पर लग सकता है, इसलिए तमाम सब्जियों को मिक्स करने के बाद ऊपर से चुकंदर के स्लाइसेज रख दिए हैं।
अब मैं बना रही हूँ गाजर का अचार। आजकल गाजर सीजन में है। ये इन तमाम चीज़ों को बस एक साथ मिक्स कीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दें और ये खाने के लिए तैयार है। इसके लिए एक पाव गाजर लेकर इसे जुलियन पीसेज में कट कर लिया है। इसमें शामिल करें आधा खाने का चम्मच भुना और कुटा धनिया, डेढ़ खाने का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच हल्दी, लाल मिर्च दो चाय के चम्मच, दो खाने के चम्मच हरा धनिया, एक खाने का चम्मच लहसुन और आधा कप तेल शामिल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें और ये खाने के लिए तैयार है। अब मैं बना रही हूँ अचारी मिर्चें। सबसे पहले एक बाउल में मसाला तैयार करें जिसमें शामिल है धनिया पाउडर एक चौथाई कप, एक खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, नमक एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, चीनी एक चाय का चम्मच, आधी चम्मच मेथी दाना और एक चाय का चम्मच कलौंजी को मैं बारीक कूट रही हूँ, वो भी इस मसाले में शामिल कर दें, और भुना और पिसा जीरा तीन खाने के चम्मच। तमाम मसाले को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इमली के रस के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो सिरका या नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तकरीबन एक कप इमली का रस इस्तेमाल हुआ है। ये मसाला 10 से 12 बड़ी हरी मिर्चों के लिए काफी होगा। मिर्चों को बीच में से चाक कर लीजिए। मैंने इसके बीज रिमूव किए हैं। अगर आपके घर में तीखा पसंद किया जाता है तो आप इसके बीज रिमूव ना करें, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की है। मिर्चों में से बीज निकालने के बाद मैंने ये मसाला इसके अंदर भर दिया है। तमाम मिर्चें इसी तरह से तैयार फ्राई पैन में दो खाने के चम्मच तेल गरम कर उसके ऊपर तैयार मिर्चें फैला दें और इसे कवर कर तकरीबन 4-5 मिनट के लिए कुक कर लें। चार पाँच मिनट के बाद इसकी साइड तब्दील करें और मजीद 2-3 मिनट इसी तरह से साइड चेंज करके इसे कुक कर। इन मिर्चों को आप पहले से भी तैयार कर रख सकती हैं। सरसों के तेल को गर्म करका कर लीजिए। इसके बाद उसे बर्नी में डालें और ये तैयार मिर्चें उसके अंदर डाल दें। तेल इतना होना चाहिए कि मिर्चें उससे कवर हो जाएं और इसे बंद कर आप फ्रिज में आराम से 2 महीने तक ही रख सकती हैं, लेकिन तब आप मसाले में सिरका शामिल कीजिएगा। चटपटी हरी मिर्चें खाने के लिए तैयार हैं। लंच के लिए कंप्लीट मील रेडी है। इसके साथ मैंने फ्राइड पापड़ भी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।